छठ पर्व गुरुवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। शनिवार को व्रतियों ने डूबते सूर्य की पूजा की। रविवार को उगते सूर्य की उपासना, भगवान भास्कर की पूजा के लिए विंध्यनगर तालाब के छठ घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। सिंगरौली में चार दिन तक चलने वाले सूर्य उपासना के पर्व छठ का आज अंतिम दिन है। छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। व्रती महिलाओं ने भी सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पानी पीकर उपवास खोला। महिलाएं 36 घंटे से व्रती थी। घाटों पर थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महापर्व छठ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए एसपी अभिजीत रंजन के निर्देश पर विंध्यनगर थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा सादे वर्दी में भी पुलिसकर्मी घाटों पर तैनात थे। वहीं सीआईएसएफ के सैकड़ों जवान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात रहे। सिंगरौली मध्य प्रदेश से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।